नाकामी का एक और बाबर 11 को अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त। वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 283 रन का टारगेट दिया। अफगान टीम ने 8 विकेट से फतह हासिल कर ली। कौमी बैटर्स कोई कारनामा कर सके, ना ही बॉलर्स ने कारकर्दगी दिखाई। फील्डिंग भी हसब रिवायत इंतहाई खराब रही। फील्डर्स हाथों में आई गेंद ना पकड़ सके, बॉलर्स विकेट्स लेने में नाकाम रहे। उसामा मीर सबसे महंगे बॉलर रहे, 8 ओवर्स में 55 रन। सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करार दिया। 5 रुकनी बेंच का मुतफिका फैसला, आर्मी एक्ट का 2D1 और 2 और सेक्शन 59(4) कल अदम। फौजी हिरासत में मौजूद 103 मुलजिमों का ट्रायल फौजदारी अदालतों में करने का हुक्म। मुख्तसर तहरीरी फैसले में कहा गया, आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 आइन से मुतसादिम है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने सेक्शन 2D1 पर राय महफूज कर ली। साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद पर फर्द जुर्म आयद, मुलजिमों का सहत जुर्म से इनकार। खसूसी अदालत के जज अबू अल हसनाज उलकरनैन ने चेयरमैन पीटीआई के वकील की फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद की। फर्द जुर्म में कहा गया, चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वजीर आजम साइफर गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा। सीक्रेट दस्तावेज को गलत तरीके से जलसे में इस्तेमाल किया गया। इस अमल से पाकिस्तान की सेफ्टी मुतासर हुई। शाह महमूद कुरैशी पर चेयरमैन पीटीआई के जुर्म में मुआवनत का इल्जाम।